सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार इंटरनेट ना मतलब हम सभी यूज करते हैं और अभी तो क्योंकि हम सभी ज्यादातर घरों में हैं तो मतलब ज्यादा ही यूज कर रहे हैं इंटरनेट को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब जो भी हम यूज करते हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, कोई वेबसाइट पर लिखा हुआ आर्टिकल हो, वो सब कहीं तो स्टोर हो रहा है और कहीं वो स्टोरेज अगर खत्म हो जाए तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो मतलब आप दोस्तों आज जो भी देख रहे हैं YouTube पे, इनफैक्ट जो आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इसको मैंने बना के अपलोड किया है और ये दोस्तों जो सर्वर्स हैं वहां पे स्टोर की गई है दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे। मतलब ऐसे में फिर चाहे दोस्तों वो Netflix हो, Amazon Prime हो या कुछ और कंटेंट हो, आप खुद जानते हैं कि इंटरनेट पे आप सभी कितना कुछ क्या क्या कंज्यूम करते हैं। और सिर्फ जो आप कंज्यूम करते हैं दोस्तों वो इंटरनेट नहीं है, उसके अलावा और पता नहीं कितना सारा डेटा फैला है चारों तरफ। अभी ऐसे में यार ये जो सर्वर्स हैं ये कैसे इतने डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं और क्या ये आगे चल के कभी ऐसा होगा कि भैया डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए जगह बचे ही ना। मतलब आज तो ना हम यूज करते हैं गूगल फोटोज, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, पता नहीं क्या क्या, और बड़ा आराम लगता है जब हम दोस्तों चुटकी बजाते हुए हमारे फोन से या लैपटॉप से कोई भी डेटा इंटरनेट पे क्लाउड पे डाल देते हैं। लेकिन भाई वो कहीं तो जाके स्टोर हो रहा है। और ऐसे में दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके पास में स्टोरेज है 512 GB की या 1 TB या 2 TB या 3 या 4 TB, हम तो यार हिसाब लगा ही नहीं रहे हैं कि मतलब जो डेटा सेंटर्स है वो कितने TB है, कितने भैया GB की स्टोरेज लेके बैठे हैं, क्योंकि सभी लोग दोस्तों दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे ही जो है वो डेटा डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो करंट अभी फिगर है, जो एक एस्टिमेट है, वो ये कि दुनिया भर के जितने भी डेटा सेंटर्स हैं अगर आप दोस्तों सबकी स्टोरेज को भी कंबाइन करते हैं तो ये निकल के आती है करीब 2000 exabyte, यानी कि 2 billion terabyte, या फिर बोलूं तो 2000 million terabyte। 2000 million terabyte दोस्तों बहुत एक बड़ा नंबर है, लेकिन ये है करंट कैपेसिटी सभी डेटा सेंटर्स की। पता है मजे की बात क्या है, डेली हम सभी जो है वो पता है कितना डेटा क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं दोस्तों, ये है करीब करीब 2.5 million terabyte, या फिर दोस्तों बोलूं तो 2.5 exabyte हर रोज। अब यार ये जो चीज है ना मतलब बड़ा ही एक ऐसा नंबर लगता है कि यार हमारे पास में 2000 तो टोटल है मिलियन टेराबाइट, और ऐसे में 2.5 million हम रोज कर रहे हैं तो ये तो हम बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी सारा डेटा आपने बनाया वो सीधा का सीधा आप इंटरनेट पर डाल देंगे, उसको कहीं पर जो है वो क्लाउड पर स्टोर कर देंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी ये जो नंबर है ना ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी ऐसे में इसको लेके सोल्यूशन सोचते हैं कि यार मतलब हम ना और कुछ नया टाइप का लगा ले फंडा, जिसके चलते कि भैया हमारे पास में कैपेसिटी एनफ हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो डेटा क्रिएट हो रहा है ये तो रुकेगा नहीं, ये तो उल्टा बढ़ने ही वाला है रोज रोज। कितने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जो है, फेसबुक पे जो है वो कॉन्टेंट को अपलोड करते जाता है, मतलब पता नहीं कितना सारा कॉन्टेंट है यार, खुद सोच के देखो कितनी वीडियोज, कितनी फोटोज, कितनी मीम्स, क्या क्या पता नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है वो रिसर्च इस बात पे है कि भाई कैसे जो है वो हम इस डेटा को मतलब अच्छे तरीके से स्टोर कर पाए। अब एक तो ऑप्शन हो गया है सिंपल, इसको कंप्रेस कर दो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंप्रेशन है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसके अलावा दूसरे मतलब जो है मैकेनिज्म वो ये है कि भैया स्टोरेज कैपेसिटी को ही बढ़ाओ, दूसरा तो आप रोक नहीं सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है हैमर की, यानी कि हीट असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग की। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हार्ड ड्राइव्स होंगी ये ज्यादा कैपेसिटी की होंगी। हम दोस्तों सीगेट बोलता है कि वो 100 TB की हार्ड ड्राइव बना सकता है इसी टेक्निक पे बेस्ड, लेकिन हमको इससे और एक कदम आगे जाना होगा। बिकॉज अगर दोस्तों हमसे बात करता हूं आने वाले कुछ सालों की, तो ये जो पूरा डेटा स्फीयर है जहां पे भैया आपके गेम्स भी आ गए और आपकी पढ़ाई लिखाई भी आ गई, आपकी ईमेल भी आ गई, सब कुछ आ गया, ये दोस्तों बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसके लिए हमें देखने होंगे कुछ अल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जांपल फिर चाहे वो DNA डेटा स्टोरेज हो या फिर दोस्तों इसके अलावा कुछ नैनो मटेरियल्स को यूज करके स्टोरेज को बनाएं। फॉर एग्जांपल आपको याद हो वो छोटी सी डिस्क, ग्लास की डिस्क, जहां पे 360 TB स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो हमको दोस्तों ऐसे ही कुछ दूसरे जो है वो ऑप्शंस देखने होंगे जहां पे छोटे साइज में ज्यादा डेटा को हम स्टोर कर पाएं। और फिर भैया डेटा सेंटर्स को मतलब पावर करने के लिए हमको एनर्जी भी चाहिए,
तो ये जो पूरा दोस्तों लूप बना हुआ है ना, ये फिलहाल तो मतलब इंटरनेट चल रहा है और आने वाले कुछ टाइम तक चलेगा, लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर हम डेटा को ऐसे ही भैया क्रिएट करते गए, प्रोड्यूस करते गए, डालते गए इंटरनेट पे, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इंटरनेट पे कैपेसिटी ही खत्म और एरर आ जाएगा सामने, स्टोरेज फुल। क्या लगता है दोस्तों, ऐसा कभी हो सकता है या नहीं? बिकॉज आप खुद जानते हैं इंटरनेट पे क्या कुछ है और कितना सारा है। आगे देखते हैं जो डेटा सेंटर्स हैं, क्या वो स्टोरेज को डेवलप करते करते कोप अप कर पाते हैं हमारी डिमांड के साथ में, या फिर फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।